मेरा नाम अस्कर सुल्तान, माय चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। आज का जो सा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है, जो कि DE की मैथ 200 जिसका कोड 233 है, सेकेंड ईयर की मैथ है। उसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1 माइनस का 2x/3 की पावर 1/x आ गया, 1/x आ गया। बच्चों लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ये होता है 1+1/n सारे की पावर n/1 इक्वल टू e के बराबर है। बच्चों ये फार्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जो फार्मूला लगाने का लॉजिक क्या है, इस बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। इस बी रकम का, ये ए रकम है, ये वाली रकम कौन सी है, बी है। अगर इस बी रकम का रेसिप्रोकल इस बी रकम का उल्ट 1/n है तो n/1 होना चाहिए। अगर इस बी रकम का उल्ट ऊपर है तो किसके बराबर कर देंगे बच्चों, ई के बराबर। बच्चों इसका लॉजिक क्या है, इस बी रकम का उल्ट ऊपर रेसिप्रोकल ऊपर, अगर यहाँ पर 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर क्या होना चाहिए, 3/1। अगर इस बी रकम का उल्ट ऊपर है तो किसके बराबर कर देंगे, ई के बराबर। बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1, सबसे पहले लिखेंगे वी नाउ डैट फार्मूला लिखेंगे, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n/1 इक्वल टू ई के बराबर है। बच्चों इस बी रकम का उल्ट ऊपर होना चाहिए, अगर इस बी रकम का उल्ट ऊपर है तो जस्ट किसके बराबर कर देंगे, ई के बराबर। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1+, यहाँ पर फार्मूले में प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2x/3 सारे की पावर 1/x। बच्चों इस बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, अगर इस बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर है तो किसके बराबर कर देंगे, ई के। इस बी रकम का उल्ट क्या बनता है, देखो 3/-2x बनता है, लेकिन 1/x हमारे पास मौजूद है। बच्चों किस चीज़ की कमी है, 2/-3/-2 की। बच्चों वो क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 3 की, क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 2x। बच्चों माइनस के 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब देखो इस बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर है, इस बी रकम का उल्ट ऊपर बन गया, ऊपर बना देना, इस बी रकम का उल्ट ऊपर बनाना है। अगर इस बी रकम का उल्ट ऊपर हो जाए तो ये बच्चों ये प्रोसीजर किसके बराबर है, बच्चों किसके बराबर है, ई के बराबर है। अगर इस बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर है तो ये बच्चों किसके बराबर है, ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर आ गया, ई के, ई के ऊपर पावर माइनस का 2/3 आ गया। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 1+1/1n लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n+1 आ गया सारे की पावर n है। बच्चों वी नाउ डैट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n सारे की पावर n/1 इक्वल टू e, बच्चों ये फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, और इस b रकम का उल्ट ऊपर होना चाहिए। अगर इस b रकम का उल्ट ऊपर है तो किसके बराबर कर देंगे, ई के बराबर। बच्चों लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n+1 आ गया एन है, इस बी रकम का उल्ट क्या बनता है, आप रफ में ले जाएं, n+1/1। इस बी रकम का रेसिप्रोकल, इस बी रकम का उल्ट क्या,
एन प्लस वन ओवर वन, लेकिन हम हमें क्या दे दिया, एन दे दिया। अब किस चीज़ की कमी है, प्लस वन की। बच्चों किस चीज़ की कमी है, प्लस वन की। वो प्लस वन भी कर देंगे, माइनस वन भी कर देंगे। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, वो एन प्लस वन भी कर देंगे, माइनस वन भी कर देंगे। हमने इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना है, इस बी रकम का उल्टा ऊपर बनाना है। ऊपर एन प्लस वन होना चाहिए, किस चीज़ की कमी थी, प्लस वन की। प्लस वन भी कर दिया, माइनस वन भी कर दिया। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, इस माइनस वन पावर को लहदा लिख देंगे, वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन की पावर माइनस वन। इस माइनस वन को पावर को लहदा कर दिया, लेकिन इसके साथ बेस भी आएगी, और बेस यही आएगी। देखो ना हमारे पास अगर एक ए की पावर टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर वन, ए की पावर वन लिख सकते हैं। अगर ए की पावर टू प्लस वन है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर टू लिख सकते हैं इन टू ए की पावर वन लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर किए। और ये पावर नीचे आके नेगेटिव की पावर, ये नीचे आके पावर बच्चों किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की। बच्चों ये नीचे आके पावर बच्चों किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी, वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन की पावर वन। अब इसके ऊपर भी लिमिट अलहदा से लगा देंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी लिमिट अलहदा से लगा देंगे। बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये, इस बी रकम का रेसिप्रोकल इस बी रकम का उल्टा ऊपर है। अगर बी रकम का उल्टा ऊपर है तो ये प्रोसीजर बच्चों किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। ये वन आ गया, अब यहाँ पर लिमिट लगा दें, एन की जगह पर क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी प्लस वन। बच्चों ये ई आ गया, वन प्लस इन्फिनिटी प्लस वन, बच्चों क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी में प्लस वन करेंगे, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ई आ गया, वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। बच्चों ई आंसर आ गया, बच्चों क्या आ गया, ई आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। इसके बाद हम करेंगे छुट्टी, क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट एक्स अप्रोचेज, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, साइन एक्स के ऊपर डिग्री, नीचे एक्स। बच्चों इसको कहते हैं साइन थ्योरम, साइन एक्स ओवर एक्स। इसका लॉजिक क्या है इस फार्मूले का, और जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर। जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, जो देखो ना, जो एंगल यहाँ पर एक्स है नीचे भी एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर टू एक्स है यहाँ पर भी टू एक्स, लिमिट जीरो या इन्फिनिटी हो, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वन के बराबर। बच्चों वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर। लेकिन यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या आ गई, डिग्री आ गई। डिग्री को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करना। बच्चों ये डिग्री को पहले ख़त्म करेंगे, डिग्री को ख़त्म करने के लिए बच्चों क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई ओवर 180 के साथ, डिग्री ख़त्म हो जाएगी। डिग्री ख़त्म करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों डिग्री को ख़त्म करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे होना चाहिए था। बच्चों ऊपर क्या है, एक्स पाई ओवर 180, नीचे किस चीज़ की कमी है, पाई ओवर 180 की। हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे बच्चों, डिवाइड भी कर देंगे। जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, लेकिन नीचे किस चीज़ की कमी थी, पाई ओवर 180 की। वो हमने कमी को पूरा कर लिया। अब पाई ओवर 180 की कमी थी, वो मल्टीप्लाई भी कर दी डिवाइड की। अब बच्चों ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर है, अगर जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे है, साइन है साथ, लिमिट जीरो या इन्फिनिटी हो, ये सारा प्रोसीजर बच्चों किसके बराबर है, वन के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, वन के। हमारा आंसर आ गया पाई ओवर 180 के बराबर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट क्वेश्चन नंबर 15, वन प्लस
एक्स ओवर थ्री सारे की पावर वन ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिज ज़ीरो। बच्चों कौन सा, जो बी रकम का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। बच्चों बी रकम पहले लिखेंगे फार्मूला, वी नाओ डैट, वी नाओ डैट लिमिट एन अप्रोचिज ज़ीरो वन प्लस वन ओवर एन सारे की पावर एन ओवर वन इक्वल टू किसके बराबर है ई के। बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचे ज़ीरो वन प्लस एक्स ओवर थ्री सारे की पावर वन ओवर एक्स है। बच्चों इस बी रकम का उल्ट ऊपर होना चाहिए था, एक्स ओवर थ्री है, क्या उल्ट बनेगा इसका, थ्री ओवर एक्स। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, थ्री की। हम क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचे ज़ीरो वन प्लस एक्स ओवर थ्री वन ओवर एक्स, यहाँ पर लिखें ब्रैकेट। इस बी रकम का उल्ट क्या बनता है, थ्री ओवर एक्स। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, थ्री की, थ्री के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, थ्री के साथ डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों ये बी रकम का उल्ट ऊपर है तो ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर है, ई के बराबर। ई के ऊपर पावर आ जाएगी वन ओवर थ्री। अगर ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।